लेकिन अब बात चुनावी राजनीति के उस प्रश्न की करते हैं जो पिछले 2-3 दिन से लगातार पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि दोनों सीटों पर नामांकन के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी। अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 मई है। यूपी में 2 राउंड में अब तक 16 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन 2 चरण के मतदान के बाद भी राज्य की 2 हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस और गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल काम बन गया। इसे लेकर पार्टी में जबरदस्त मंथन चल रहा है। ये रिपोर्ट देखें। अमेठी और रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन 3 मई है। जैसे जैसे पर्चा भरने का आखिरी वक्त नजदीक आ रहा है, अमेठी और रायबरेली में जमीनी कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से अमेठी और रायबरेली को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं से बातचीत जारी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर हामी नहीं भरी है, क्योंकि राहुल और प्रियंका दोनों का मानना है कि एक परिवार के 3 सदस्यों का संसद जाना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के सीनियर नेता मानते हैं कि अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका को ही चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और खड़गे के बीच हुई बातचीत के बाद भी अब तक कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला है। राहुल और प्रियंका यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, फैसले में काफी देरी हो चुकी है। हालांकि यूपी कांग्रेस के नेता इसे रणनीति बता रहे हैं। अभी भाजपा की बेचैनियों को इस बचे हुए फेज में बढ़ा रहे हैं स्मृति ईरानी जी। खोयम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, तारीख बता रही थी। हालांकि तारीख उनकी सही नहीं हुई, लेकिन यकीनन हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। कांग्रेस एक परिवार से बंधी हुई पार्टी है और उस पार्टी की ना कोई विचारधारा बची है, ना कोई उनका विजन बचा है, ना उनके पास कोई नेता बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है। राहुल और प्रियंका भले ही विचार विमर्श में लगे हों, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड जीत होगी। मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि हमारी लड़ाई रिकॉर्ड उस राहुल गांधी जी के उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है जो उन्होंने खुद बनाए थे। इस राज्य में अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर BJP प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। यानी दोनों सीटों से कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार बने उनके पास नामांकन करने से लेकर चुनाव प्रचार करने के लिए सिर्फ 18 दिन होंगे। कांग्रेस वर्कर्स चाहते हैं कि दोनों सीटों से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य उम्मीदवार बने। दरअसल अमेठी और रायबरेली परंपरागत रूप से गांधी परिवार का संसदीय क्षेत्र रहे हैं। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के कितने मजबूत गढ़ हैं, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि रायबरेली से 1952 से अब तक सिर्फ 3 बार ही कांग्रेस चुनाव हारी। अमेठी लोकसभा सीट से भी 1967 के बाद कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार पिछले 4 चुनाव रायबरेली से जीती हैं। इसी साल फरवरी में सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, जिसके बाद रायबरेली में उनकी जगह किसी नए चेहरे की तलाश चल रही है। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक लगातार 3 बार अमेठी से चुनाव जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। कहा जा रहा था कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस ने 4 सीटों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट से आनंद शर्मा को टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की ही हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को कैंडिडेट बनाया गया है। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल को टिकट मिला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर बातें कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं।